आप देख रहे हैं देश खबर 24 और आपके साथ मैं हूं आज। अपने बेबाक बयानों और अनूठे अंदाज से जाने वाले रीवा सांसद इन दिनों रीवा संभाग कमिश्नर से खफा हैं। रीवा सांसद की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने कमिश्नर के निलंबन तक की मांग कर डाली है। दरअसल रीवा सांसद ने सोमवार को मीडिया को प्रेस नोट जारी कर कमिश्नर के निलंबन की आवाज उठाई है। तो आइए जानते हैं रीवा सांसद के नाराजगी की वजह क्या है, आखिर सांसद कमिश्नर का निलंबन क्यों चाहते हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने संजय गांधी अस्पताल रीवा से विगत दिनों विवेक कुशवाहा की लाश घूमने और वहां पर कोविड-19 के तहत भर्ती मरीजों को शासकीय मापदंडों के अनुरूप व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने पर रीवा संभागीय कमिश्नर को जिम्मेदार ठहराया है। सांसद ने उन्हें तत्काल निलंबित करने के साथ विवेक कुशवाहा की लाश गायब होने की घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। रीवा सांसद ने विवेक कुशवाहा की लाश घूमने के मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच कराने के लिए उच्चतम न्यायालय के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रीवा कमिश्नर हॉस्पिटल के प्रशासक हैं और उनकी नाकामियों के कारण एक गरीब व्यक्ति की लाश गायब होने की घटना हुई है। उन्होंने कहा कि इस घटना से संजय गांधी अस्पताल की कार्य पद्धति पर समाज में तरह तरह के प्रश्न तैर रहे हैं। यह घटना पूरे देश में चिकित्सा जगत के लिए कलंकित करने वाली है। लाश की घटना पर एक सफाई कर्मचारी जो पूरी शिद्दत और निष्ठा से वास्तव में अपनी जान पर खेलकर सेवा में जुटे हुए हैं, उनको बर्खास्त कर अपनी अक्षमता पर पर्दा डालने और खुद को बचाने के लिए प्रशासकीय जांच बैठाई गई। रीवा सांसद ने कहा कि एक गरीब के संतान की लाश गायब हुई है, यदि इस तरह की घटना किसी रसूखदार परिवार के साथ घटित होती तो क्या कमिश्नर बच पाते। तो इस तरह के तमाम आरोप लगाते हुए सांसद ने कमिश्नर के निलंबन की मांग की है।